महू में नेशनल लोक अदालत में दो अलग ही मामले सामने आए, जहां पारिवारिक विवाद के चलते वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी को एडवोकेट विजेता यादव ने पति लक्ष्मी नारायण कौशल, जो कि चोरल के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 34 वर्षीय है, और पत्नी नीतू कौशल ग्राम गजरूखेड़ा महू में अपने दो बच्चों के साथ अलग जीवन यापन कर रही थी, जिसका केस महू न्यायालय में भरण पोषण के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिन्हें आपसी समझौते से दोबारा घर बसाया गया। लेकिन दोनों वकीलों ने मिलकर पति पत्नी को खुशहाल जीवन जीने और परिवार को टूटने से बचाने की सलाह देते हुए समझौता करा दिया। ये केस एडवोकेट स्वदेश दत्त पांडे के ऑफिस की एडवोकेट श्रीमती यादव के द्वारा पेश किया गया था। दूसरा मामला धारनाका निवासी शिवानी कौशल पति रूपेंद्र कौशल निवासी जूना रिसाला इंदौर पर भरण पोषण का केस न्यायालय में चल रहा था। शिवानी का आरोप था कि सास ससुर और ननंद परेशान कर विवाद किया करती थी। शिवानी की ओर से भारत सिंह ठाकुर के जूनियर एडवोकेट जयराज चौहान ने न्यायाधीश रविशंकर दोहरे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया, जहां समझाइश के बाद पति पत्नी में सुलह करवाकर दोबारा नया जीवन जीने की सलाह देते हुए दोनों को भी समझौता करवा दिया। दोनों परिवारों को एक एक पौधा देकर सुखी जीवन जीने के लिए कहा गया। जिसका शिवानी कौशल के नाम से मैंने दावा एक साल पहले पेश किया था, जिसमें दोनों पिछले एक साल से पृथक पृथक निवास कर रहे थे। तरुण जिसके अधिवक्ता श्री वीरेंद्र यादव जी हैं, वो अपने माता पिता के साथ में अपनी पत्नी को रखना नहीं चाह रहे थे और पत्नी भी पृथक से रहना चाह रही थी। तो आज माननीय रविशंकर जी दोहरे साहब ने और हमारे प्रयास से दोनों का हमने समझाइश देकर के निराकरण करते हुए दोनों को एक साथ रहने की सलाह देते हुए आज प्रकरण को समाप्त किया है। किन शर्तों के साथ रहेंगे वो दोनों? इस शर्त के साथ में रहेंगे कि वो माता पिता से पृथक रहेंगे और अपना अपना अलग बनाएंगे खाएंगे और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। जयराज चौहान मुकदमे थे जो कि आज लोक अदालत में निपटाए गए हैं। दोहरे साहब की कोर्ट में दोनों मुकदमे थे 125 के, जो पिछले एक वर्ष से चल रहे थे। मेरे पक्षकार का नाम है लक्ष्मी नारायण, जिसमें नीतू की तरफ से 125 का केस लगाया गया था। आज दोनों के बीच समझाइश हुई है और दोनों एक साथ जाना चाहते हैं और लोक अदालत में आज उनके केस का निपटारा हुआ। क्या डिमांड थी एक दूसरे की? नीतू का ये कहना था कि मैं चोरल में नहीं रहूँगी आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, आप मुझे अलग रहकर कहीं भी अलग रखकर रखिए। और उसका ये कहना था, उसके दो बच्चे हैं तो उनके लिए भरण पोषण मांगा था उसने। तो आज ये कि हमारे और साहब के प्रयास से थोड़ा सा उनको समझ में आया कि हमें साथ रहना चाहिए और ये जो भी है 125 वगैरह जो प्रकरण है इनको निपटा करके एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए। तो बस अभी जो समझौता हुआ किस शर्त? अभी ये समझौता इस शर्त पे हुआ है कि थोड़े टाइम के लिए दोनों माता पिता से अलग रहेंगे और जैसे जैसे दोनों के, क्योंकि क्या हुआ था एक वर्ष में काफ़ी खटास आ गई थी रिश्ते में, तो अब थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो दोनों ने ये फैसला किया कि साथ में रहेंगे और फिर धीरे धीरे माँ बाप को भी अपने साथ में ले आएंगे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। मेरा नाम विजेता यादव, एडवोकेट महू, इंदौर के महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।